हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेक इफ। इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लीक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में कि कैसा है ये क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में भी। तो इस वीडियो से आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक लीक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये खर्च होने पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन होते हैं उन पर कैलकुलेट किया जाता है हर 150 रुपये की स्पेंडिंग पे रिवॉर्ड पॉइंट। तो मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट का कैलकुलेशन है वो हर 150 रुपये के खर्चे पे कैलकुलेट किया जाता है आपके क्रेडिट कार्ड से, चाहे कितने भी ट्रांजेक्शन हो। तो मिनिमम जो ट्रांजेक्शन होगा अगर वो 150 रुपये का होगा तभी जो हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। बाकी कितने भी ट्रांजेक्शन हो तो हर 150 रुपये पे हमें जो है रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। कुछ इस तरह का इसका सिस्टम है। तो हमें रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिलता है, कितना मिलता है, तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जिन पे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको हर 150 रुपये खर्च होने पे 8 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। तो इन कैटेगरीज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्पेशल कैटेगरीज में ये सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंसीज के जो ट्रांजेक्शन है, टूर ऑपरेटर्स के जो ट्रांजेक्शन है, पैकेज टूर ऑपरेटर्स के जो ट्रांजेक्शन है, ये सारे शामिल है। एयरलाइंस, एयर कैरियर्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स, इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो स्पेशल कैटेगरीज में ये सारे ट्रांजेक्शन शामिल हैं। तो अगर आप इन पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको हर 150 रुपये खर्च होने पर 8 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। और इसके अलावा इन कैटेगरीज को छोड़ करके दूसरी जो कैटेगरीज हैं उन पर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 150 रुपये पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन ये 4 रिवॉर्ड पॉइंट भी डबल होकर के 8 रिवॉर्ड पॉइंट बन जाएगा अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो फिर ऐसे में आपको 4 की जगह फिर 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। अगर आप जो है 2 लाख रुपये तक स्पेंडिंग पहुँचा देते हैं और उसके बाद ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपको जो है 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जो कि स्पेशल कैटेगरी पे आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं 150 रुपये खर्च होने पे, तो आपको अदर कैटेगरीज पे भी फिर 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी का पेमेंट करने पे आपको 500 रुपये का मूवी गिफ्ट वाउचर मिलता है। और ये सिर्फ उन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल होगा जिन क्रेडिट कार्ड के लिए ज्वाइनिंग फी ली जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर ये क्रेडिट कार्ड किसी को लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है विदाउट एनी ज्वाइनिंग फी, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको लीक प्रायोरिटी अटेंड का फीचर मिलता है जिसमें आपको कॉल सॉल्यूशंस और इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री चेक पिकअप की भी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपसे जो फ्यूल सरचार्ज लिया जाता है उसको माफ़ किया जाता है, जो कि 3,500 रुपये तक की माफ़ी होगी फ्यूल सरचार्ज की। मतलब कि फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको साल भर में 3,500 रुपये का मिलेगा मैक्सिमम। इसके अलावा रेलवे सरचार्ज वेवर भी मिलता है, रेलवे के ट्रांजेक्शन पे भी आपको सरचार्ज लगता है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तो उस पर भी आपको वेवर मिलता है। लेकिन इसमें जो वेवर है वो कम मिलता है, आपको साल भर में सिर्फ 500 रुपये का ही वेवर मिलता है। लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में ये जो बेनिफिट नहीं मिलता है लेकिन इसमें मिल रहा है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको लीक शील्ड कवर मिलता है, एक तरह का इंश्योरेंस कवर होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है या फिर चोरी होता है और उसे कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होता है तो ऐसे में आपको इंश्योरेंस कवर एक तरह का दिया जाता है, जो कि 1,25,000 रुपये का होता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड मान लीजिए कि गुम हो गया फिर चोरी हो गया और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ, तो अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं, तुरंत ही बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं तो उससे कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, तो आप जो है इस लीक शील्ड के जरिए से जो भी आपको इंश्योरेंस कवर मिला है उसको क्लेम कर सकते हैं, जो कि 1,25,000 रुपये का मिलता है। आपको एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, इस क्रेडिट कार्ड से आप एड ऑन कार्ड भी किसी अपने फैमिली मेंबर को दिला सकते हैं, बस जिसको भी दिला रहे हैं उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 6 महीने में 1,25,000 रुपये या फिर 1,25,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आपको 4 फ्री मूवी टिकट्स मिल जाते हैं, या फिर आप चाहें तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं 4 फ्री मूवी टिकट्स की जगह पे। तो ये आपको हर 6 महीने में मिलता है, मतलब साल भर में एक तरह समझिए कि आपको 2 बार ही ये बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आपको जो है 4 फ्री मूवी टिकट्स मिल जाते हैं, या फिर आप चाहें तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है, एक तरह समझिए कि 400 रुपये का आपको बेनिफिट होता है। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मूवी टिकट होगा, 4 फ्री मूवी टिकट की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो 400 रुपये के अंदर का होगा तभी आप जो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो 400 रुपये से ज़्यादा का हो रहा है तो मूवी टिकट्स अगर 400 रुपये से ज़्यादा किया तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, 400 रुपये से ज़्यादा जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो है 4 मूवी टिकट्स 400 रुपये में आ रहे हैं तो फिर ऐसे में आप जो है परचेस कर सकते हैं इजीली। कन्वीनियंस भी अगर उसमें लग रही तो भी अगर एक्स्ट्रा जा रहा है 400 रुपये से तो फिर वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा बेनिफिट लेना चाहेंगे, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर 4 फ्री मूवी टिकट्स। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 21 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है और मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए सालाना वो कम से कम 5 लाख रुपए की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो बेहतर है। और रही बात इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की, तो यहाँ पे जब आप कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे विजिट करते हैं kotak.com, तो आप आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में, एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, उसके बाद कार्ड्स, उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स, तो आपको क्रेडिट कार्ड्स में ये वाला क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको ये वाला लीक क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, आपको अप्लाई का ऑप्शन भी मिलता है अप्लाई नाउ का, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको जो है अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो आप जैसे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। फिल करके आपको जो सारी डिटेल्स सबमिट करनी होती है बैंक को, और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस जो है बैंक संभालता है। और अगर इसमें वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वेरिफिकेशन वगैरह करा करके और आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करा देता है, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं अगर बैंक की नज़र में, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। तो ये वेरिफिकेशन है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस पर्सन का बैंक के साथ में कैसा रिलेशन है और कैसी उसकी जो है प्रोफाइल है वो उस पर डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 499 रुपये प्लस GST, जिसको हम फर्स्ट ईयर फी भी कहते हैं। तो वैसे आपको ज्वाइनिंग गिफ्ट के तौर पर मूवी का वाउचर मिल जाता है 500 रुपये का, तो उसमें ये कवर हो जाता है एक तरह से, और इसकी एनुअल फ़ी उसके बाद से 499 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो इसकी एनुअल फ़ी है वो माफ़ कर दी जाती है। और इसी तरह से आप फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी को भी माफ़ करा सकते हैं, अगर आपने साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो वो माफ़ कर दी जाएगी। और अगर आप एडन कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.50% पर मंथ है और पर एनम 42%, यानी 42% जो है सालाना है और 3.5% माहाना है। इस क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉल करने पर 300 रुपये का चार्ज होगा, जिसमें कि GST भी इंक्लूड किया जाएगा अलग से, तो 300 रुपये प्लस GST इसका चार्ज है। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक का, डिपेंड करता है कि जो आपका स्टेटमेंट बैलेंस या फिर टोटल अमाउंट ड्यू है या फिर टोटल ड्यू है वो कितना है। और ये लेट पेमेंट चार्जेस हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, या फिर आप समझिए कि ड्यू डेट से पहले नहीं करते हैं पेमेंट, तो ऐसे में हमसे ये लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। ओवर लिमिट चार्ज 500 रुपये प्लस GST है, और इसी तरह से चेक बाउंस होने पर 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करते हैं और बाउंस होता है तो ऐसे में 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी भी कहते हैं, ये 3.50% है, तो इसका मतलब होता है 3.5%, जितना भी हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं उसी का 3.5%। कैश पेमेंट चार्ज 100 रुपये, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करें ब्रांच से, तो ऐसे में हमें 100 रुपये चार्ज देने को, तो बेहतर है कि हम खुद से ही पेमेंट कर लें ऑनलाइन, जिसमें हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। कार्ड को रीइश्यू या फिर रिप्लेसमेंट कराने का चार्ज भी 100 रुपये है, और जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे GST अलग से लिया जाता है, सब पे GST अलग से इंक्लूड किया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। और ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको फ्री में दी जाती हैं, जिसके लिए बैंक ने चार्ज माफ़ कर रखा है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, लोग इसको इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड असल में अच्छा ही है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, जो रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो काफ़ी सही हैं, तो इसी वजह से लोग इसको ले भी रहे हैं और इसी वजह से ये इतना पॉपुलर भी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा। अब देखिए, अगर कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड में अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है आपके लिए सही होगा, अगर आप सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड को, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड जो है सही है। अदरवाइज़ दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स आपको जो है दूसरे ऑप्शन अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, इससे बेटर मिल जाएंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में ये क्रेडिट कार्ड जो है एक सही क्रेडिट कार्ड है, एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड, और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स में तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है, तो इस तरह से काफ़ी सारे इससे बेटर क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में से कौन सा क्रेडिट कार्ड मुझे जो है लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड सही रहेगा, तो ये क्रेडिट कार्ड जो मेरे ख्याल से सही रहेगा, ये एक ऑलराउंडर एक तरह से समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।